This is a clock tower from Sri Lanka. Entire area, शायद आपको लग रहा होगा कि नया है, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन किया गया है. All are old buildings built up so many years before during our Britishers as well. Clock tower देखा हमने. ये हमारे मनोज भाई, जो हमारे टुक टुक कहते हैं, हमें ऑटो रिक्शा कहते हैं, वहां पे लोग टुक टुक कहते हैं. क्लॉक टावर से आगे बढ़ते हुए हम लोग एक ऐसी जगह पे आए हैं जिसको हम फर्स्ट मैन ऑफ श्रीलंका कह सकते हैं, प्रेसिडेंट हाउस ऑफ श्रीलंका. आप जानते हो थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी था श्रीलंका के अंदर, बट अभी सारी चीजें स्टेबल हो चुकी है. दिस एंटायरली एरिया बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका. अ ब्यूटीफुल एरिया. इट्स फ्री टू एक्सेस, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. आप अच्छी तरह से आगे बाजू घूम भी सकते हो, आगे सारी चीजें देख भी सकते हो. वीडियो लेना है, फोटोग्राफ लेना है, एवरीथिंग यू कैन टेक केयर. दैट्स वंडरफुल. द फ्लैग ऑफ श्रीलंका. दिस इज अ मॉस्क. इसके आप सब जानते हैं श्रीलंका के अंदर भी बहुत सारी कंट्री के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर रिलीजन के लोग रहते हैं, जिसका ये मॉस्क है, रेड मॉस्क कहते हैं इसको. मैं बहुत सारे मॉस्क विजिट कर चुका हूँ, बहुत सारी कंट्री को विजिट कर चुका हूँ. ये कल्चरली भी देखा जाए या इस तरह से भी देखा जाए, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है. अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा लेट हो गया तो अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल मॉस्क विच यू मस्ट विजिट अलॉन्ग विद द सिटी यू कैन सी, बिकॉज कल इंडिपेंडेंस डे है. जैसे हमारे भारत में होता है, अंकल हाय, भारत में होता है बेसिकली ध्वज वंदन, उसी तरह से इंडिपेंडेंस मार्च रहेगी. यहाँ पे हर जगह पे देख रहे हो, हर एक शॉप के ऊपर देख रहे हो श्रीलंकन फ्लैग गोइंग एवरीवेयर. दिस इज लोटस टावर ऑफ कोलंबो. इसका पूरा जो शेप बनाया गया है वो लोटस की तरह बनाया गया है. जैसे कमल खिलता है उसी तरह से इसका शेप बनाया गया है. ऊपर की बाजू देखोगे तो पूरा कमल की तरह फैलाया गया है, नीचे डंडी है. तो एक अच्छी चीज है, कीचड़ नहीं है कहीं पे भी. हम सीखते आए हैं कीचड़ में कमल खेलता है, पर यहाँ पे नीचे के पार्ट को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया है, जहाँ पे शायद उनका कन्वेंशन सेंटर भी है. हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ वन राउंड? 90 मिनट्स. 90. अब देयर इज अ रेस्टोरेंट. यस, रेस्टोरेंट आई थिंक व्हिच इज रोटेटिंग रेस्टोरेंट. इट टेक्स अराउंड 90 मिनट्स टू हैव वन राउंड. देयर आर सो मेनी होटल्स आर देयर, यू कैन स्टे देयर. You can see some commercial offices. Commercial offices are there. Even some government offices also located over here. The beautiful place is called Lotus Tower of Sri Lanka. So you can see, जो लोगों ने साउथ इंडिया विजिट किया होगा, स्पेसिफिकली तमिलनाडु, वहाँ पे इस तरह के बहुत सारी भगवान की मूर्तियों के साथ के टेम्पल्स बने हुए हैं. This is one of them in Colombo. So हम लोग पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस. अरे डरिए नहीं, ये कोई अमेरिका व्हाइट हाउस नहीं है. श्रीलंका के कोलंबो के अंदर टाउन हॉल का जो शेप दिया गया है, यहाँ का जो टाउन हॉल है उसको व्हाइट हाउस से इंस्पायर होके पूरा बनाया गया है. आप देख सकते हो जैसे अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस बनाया है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, वैसे ही उन्होंने उसकी उसी आकार उसी शेप में यहाँ पे उनका टाउन हॉल बनाया हुआ है इन कोलंबो. इट्स कॉल्ड टाउन हॉल ऑफ कोलंबो. लोटस हाउस, व्हाइट हाउस, यानी टाउन हॉल ऑफ कोलंबो. वहां से हम लोग एक बहुत अच्छे, जैसे मैंने आपको बुद्धिज्म गौतम बुद्धा की मूर्ति के बारे में बताया, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई हुई है. अलोंग विद दैट ये बहुत बड़ा गार्डन बनाया हुआ है. इट्स कॉल्ड विहारा महादेवी पार्क.
बिहारा महादेवी पार्क, जैसे कि आप देख सकते हो कलरफुल फाउंटेन्स है, बहुत बड़ा पार्क है ये। इट इज बीइंग बिल्ट लाइक यूरोपियन स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अंग्रेजों का कल्चर रहा है। दिस इज इंडिपेंडेंस स्क्वायर, यू सी। जैसे मैंने आपको बताया कि कल श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, बहुत अच्छा लगता है बेसिकली जब किसी कंट्री के इंडिपेंडेंस की बातें सुनते हैं, किसी कंट्री के सेल्फ सस्टेनेबल की बातें सुनते हैं। मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर से थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा था, इट वॉज सो फीलिंग प्राउड कि उसको इंडिपेंडेंस मिला। जैसे हम लोग भी हमेशा अपने देश की आज़ादी को लेकर उत्सुक रहते हैं, हर देश हर सब लोग रिपब्लिक होना चाहते हैं कि अपनी खुद की गवर्नेंस हो। वो ज़रूरी भी है दोस्तों कि राजाशाही सदियों से रही है, रिपब्लिक होना और उसका इम्पोर्टेंस समझना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रीडम सिर्फ नहीं, पर फ्रीडम के साथ में साथ उसकी जिम्मेदारी, इट ऑटोमेटिकली कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडियन टू मेंटेन अवर कल्चर, टू मेंटेन अवर कंट्री, बहुत ज़रूरी है दोस्तों देश की आज़ादी का इम्पोर्टेंस समझना। देश की सारी संपत्ति हमारी है, वो पहले इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जो भी अभियान चलाने पड़ रहा है, उसका कारण है कि हम लोग मानते हैं कि हम आज़ाद हैं, उसको चलाने की जवाबदारी सिर्फ सरकार की है। ये गलत है, बहुत ज़रूरी है दैट बेसिकली हम लोग भी हमारी जिम्मेदारियां समझें। अगर हम लोग हमारी जिम्मेदारियां समझेंगे तभी जाके समझ में आएगा और देश एक महान देश वापस बन पाएगा। थैंक यू।